नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सांप के जहर के सप्लाई के मामले में एल्विश यादव से पूछताछ चल रही है। इस दौरान नोएडा पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। एल्विश के लिए पुलिस ने पहले से सवाल तैयार कर लिए थे और एल्विश यादव से गुप्त जगह पर पूछताछ चल रही है। डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एल्विश यादव पर दिल्ली में एनसीआर में पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में 5 अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में पहले भी एल्विश यादव से पूछताछ की थी। अब इस मामले में जांच चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में कई जगह आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें आरोपियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि एल्विश यादव की पार्टियों में बदरपुर से सांप लाए जाते थे। और वहीं आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि वह रियो पार्टी में सांप और जहर का इंतजाम करता था। जैसी डिमांड होती थी उसी के अनुसार सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड कराता था। वह इसे दिल्ली के बदरपुर के पास के एक गांव से लाता था और इसे सपेरों का गढ़ माना जाता है। इसके साथ ही इस मामले में हरियाणवी सिंगर फजील पुरिया का भी नाम सामने आया था। इस केस में आरोपी राहुल के घर से एक लाल डायरी बरामद हुई थी, जिसमें सपेरों के नंबर, बुकिंग और पार्टी में शामिल लोगों के नाम का ब्यौरा दर्ज था। वही डायरी से एल्विश और फजील पुरिया के बीच मुलाकात का भी ब्यौरा दर्ज है। और बता दें कि डायरी में एल्विश की नोएडा के फिल्म सिटी और छतरपुर के फार्म हाउस पार्टी का भी जिक्र था। इस डायरी में बॉलीवुड यूट्यूबर के लिए रियो पार्टी में पहुंचाए गए सांप, वेनम और सपेरे ट्रेनर का जिक्र था, जिसके हर पेज पर पार्टी का दिन, आयोजक का नाम, लोकेशन, समय और पेमेंट का हिसाब किताब लिखा हुआ था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।